उत्तराखंड में चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्माया है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तूफानी जनसंपर्क कर वोट देने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे बागियों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार अजय तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है। किच्छा विधानसभा में भाजपा के बागी अजय तिवारी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला का चुनावी गणित और चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया। किच्छा विधानसभा में पिछले 8 वर्षों से समाज सेवा कर रहे अजय तिवारी की युवाओं के बीच खासी पकड़ मानी जाती है। नामांकन से पूर्व अजय तिवारी पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे सहित संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने दबाव बनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन समर्थकों के भारी दबाव के चलते अजय तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी। किच्छा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी लगातार भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर विधानसभा की जनता से समर्थन की अपील की है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में किच्छा का जनता इतिहास बदलेगी। अजय तिवारी ने कहा, उनके द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र जनता के हित में है और घोषणा पत्र की प्रत्येक घोषणा को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार अजय तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला पर झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। अजय तिवारी ने कहा, विधानसभा की जनता के बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर भारी रोष व्याप्त है और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे अजय तिवारी ने समर्थकों एवं जनता के अपार समर्थन के चलते अपनी जीत का दावा किया। मोदी जी के हाथों को तो पूरा देश ही मजबूत कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के लोग भी नाराज हैं, भाजपा के लोग भी नाराज हैं, किच्छा की जनता नाराज है। इन दोनों पार्टियों ने जो डिसीजन लिया, संघ संगठन के लोग नाराज हैं। देखिए, कोई नहीं चाहता था कि बेहड़ जी को टिकट मिले, कोई नहीं चाहता था कि राजेश शुक्ला जी को टिकट मिले। मैं भी घूम रहा हूं, सब चाहते थे कि बेहड़ जी ने भी, भाई बेहड़ जी को भी अब करना ये चाहिए कि किसी नए को आशीर्वाद देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, मौका देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, हर जगह काफ़ी विकास किया, लेकिन अब समय और लोगों के को भी आगे देखिए। मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो एक उम्र और समय का तकाजा होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और बिल्कुल आपने जो एक अच्छा काम किया किच्छा में, तो उसको नए लोगों को आप अपना मजबूत करते, अपना अनुभव देते, तो और एक अनुभव और उत्साह जब मिल के आता तो एक नया रिजल्ट बनता। भाजपा में वही हाल था। भाजपा में कोई कितना विरोध है, आप लोग घूमते हैं, आज विरोध है बिल्कुल। मोदी जी के नाम पे जीते थे, मोदी जी के नाम पे किच्छा की सम्मानित जनता ने हरीश रावत जैसे चेहरे को हराया था।